बताएं सर। हाँ अनिल जी, अपन आईसीआईसीआई बैंक में काफी दिनों से हम एक वीक ट्रेंड पे ही ट्रेड कर रहे हैं, एंड आज भी 845 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही थी। उसी पर्टिकुलर स्विंग बनाने के बाद एक उछाल वापस आया है, तो मुझे लग रहा है ये उछाल वापस यूटिलाइज करना चाहिए शॉर्ट पोजिशंस ऐड करने के लिए। जिस तरीके से इसका फ्यूचर्स अभी ट्रेंड हो रहा है अराउंड 852 के आसपास, तो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लगाना है 858.30 पे, एंड नीचे मुझे लग रहा है अभी 845 का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। डायरेक्टली जो टारगेट यहाँ पर अवेलेबल है वो लगभग अराउंड 840 तक का अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा उछाल है। निफ्टी भी एक अच्छे डिसाइसिव लेवल पे आ चुका है जहां से शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। सो फ्रेश बिकवाली करने की सलाह होगी आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में 840 के फाइनल टारगेट के लिए। यह है आपके लिए राय इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पर आती हुई। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएस रियल्टी का। अनिल जी, सडनली सारे आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही है, स्पेशली वहां पर एलटीआई माइंडट्री ने अपने प्रीवियस दो दिन के स्विंग लोस को ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया है। इनफैक्ट प्रीवियस डे स्विंग लो को तो ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है, एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये पर्टिकुलर रिवर्सल हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको 46.50 के आसपास लगाना है, एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है ये जो भी स्विंग बना था 46.30 के आसपास का, वहां पर भी स्टॉप लॉसेस प्लेस किए जा सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे पहला टारगेट होगा अराउंड 4500 का, एंड पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है काफी बड़ा है अराउंड 4460 तक का, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बिकवाली अभी फ्रेश शुरू हुई है ये और 100 पॉइंट दिखा सकती है ऑन द लोअर साइड। आइए बिल्कुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी वाला। जी सचिन जी, क्या बेचना चाहते हैं अब आप बताएं सर। अनिल जी, पिछले हफ्ते में एलएनटी पे हमने एक राइजिंग ट्रेंड में बिकवाली करने की सलाह दी थी, एंड यहाँ पर पिछले तीन दिनों से जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश वीकनेस नजर आ रही है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 2160 के आसपास इसके फ्यूचर्स अभी ट्रेंड हो रहे हैं, स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2188 के आसपास अभी फिलहाल प्लेस करना चाहिए, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए एलएनटी के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2120 के आसपास प्लेस्ड है, तो 2120 के लिए पर्टिकुलर ट्रेड ओपन किया जा सकता है ऑन द शॉर्ट साइड। डिस्क्लोजर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर ट्रेड ऑप्शंस द्वारा पार्टिसिपेट करने की सलाह दी है, तो 2200 का पुट ऑप्शन अप्रैल फेज का ये भी यहाँ पर खरीदा जा सकता है जो लगभग अराउंड 70 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है पोजिशनल टारगेट अराउंड 120 तक का अवेलेबल है, तो यहाँ पर फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए एलएनटी के फ्यूचर्स में। एलएनटी फ्यूचर्स यहाँ पर फ्रेश बिकवाली करें, 2120 का टारगेट अब आपके लिए आते हुए दिखेगा। सचिन जी, बंधन बैंक देखे सर, वापस 200 के नीचे आ रहे हैं, बड़ी कमजोरी है इसमें। जी दीपांशु, इनफैक्ट इनहेरेंटली यहाँ पर काफी महीनों से वीकनेस है, एंड कहीं पर भी यहाँ पर रिलीफ नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट छोटे से बाउंस बैक भी यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहे। कल के सत्र में जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशंस बनी है, मुझे लग रहा है अगर ये 200 के नीचे आज की क्लोजिंग एस्टैब्लिश कर देता है तो लगभग इसका जो ईयरली लो है 165 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी भी यहाँ पर ओपन हो जाती है। एंड ऑन क्लोजिंग बेसिस आई थिंक मंथली चार्ट पे भी एक काफी बड़ा नेगेटिव फैक्टर इसमें ओपन हो जाता है, तो अभी भी यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। कहीं पर भी रिवर्सल के सिग्नल नहीं है, तो 210-215 के ऊपर जब तक ये स्टॉक सस्टेन नहीं होता ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक तब तक इसमें वीकनेस बरकरार ही रहनी चाहिए। एंड जिस तरीके से 200 का लेवल ये अभी तोड़ रहा है, तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 190 से 185 के टारगेट्स ओपन हो चुके हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक जो अब आपको फिसलते हुए दिख रहा है।